चलिए कुछ अलग तरीके से समझे कि टोकरी का बहुवचन शब्द क्या होता है और आज के इस वीडियो के अंदर आपको टोकरी के बहुवचन शब्द के बारे में हम अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। आप बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं ताकि आप टोकरी के बहुवचन शब्द को अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए कि जिस शब्द के रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और वहीं पर अगर हम टोकरी के बहुवचन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टोकरी एक एकवचन होता है और टोकरी का बहुवचन शब्द टोकरियां होता है। यानी दोस्तों टोकरी का बहुवचन शब्द टोकरियां होता है और यह आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और इन्हें अच्छी तरह से याद करना है, जिसके लिए आप भी हमारे साथ हो रहे हैं कि टोकरी का बहुवचन शब्द टोकरियां होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि टोकरी किसे कहते हैं। टोकरी एक प्रकार की खाली या जालीदार संरचना होती है जो विभिन्न वस्तुओं को रखने और उठाने के लिए बनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि टोकरी का बहुवचन शब्द क्या होता है। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए कि टोकरी एक एकवचन होता है और टोकरी का बहुवचन शब्द टोकरियां होता है। यानी दोस्तों टोकरी का बहुवचन शब्द टोकरियां होता है और यह आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और इन्हें अच्छी तरह से याद करना है, जिसके लिए आप भी हमारे साथ हो रहे हैं कि टोकरी का बहुवचन शब्द टोकरियां होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन्हें अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इस टोकरी में सारे आम रख दो। यानी किसी खास टोकरी की बात की गई है तो इसका मतलब हुआ कि टोकरी एक एकवचन होता है। और वहीं पर आज शहर में टोकरियां काफी सस्ती मिल रही है, यानी बहुत सारी टोकरी की बात की जा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि टोकरियां एक बहुवचन शब्द होता है। तो इस तरह से दोस्तों टोकरी का बहुवचन शब्द टोकरियां होता है और यह आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि टोकरी का बहुवचन शब्द क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो चुकी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।